Hello everyone, today we are going to discuss Euler's theorem based on homogeneous functions. I already told you what is a homogeneous function, still I am taking a small recap for homogeneous function. A homogeneous function is the function in which the degree of each term is equal or same. सर ये तो ठीक है डिग्री इक्वल है लेकिन हाउ टू फाइंड होमोजेनियस फंक्शन एक्चुअली में कैसे फाइंड करें. देर आर टू मेथड, आइदर यू पुट वाई टू वाई टी एंड एक्स टू एक्स टी देन कन्वर्ट द फंक्शन इन फॉलोइंग फॉर्म. यानी फंक्शन में अगर ये वाले फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया हुआ था, ये एक पूरा फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई हैविंग टू वेरिएबल्स. और अगर आप इसमें देखें तो एक्स का डिग्री एन है, इन दोनों टर्म्स को मिला करके इसका भी डिग्री एन है और सारे टर्म्स का डिग्री एन है, यानी सबका डिग्री सेम है. और ये जो होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इसमें सारे टर्म्स का डिग्री सेम है, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री एन हो जाएगी क्योंकि सारे टर्म्स का डिग्री इक्वल है. तो आपको कोई फंक्शन दिया गया उसमें एक्स की जगह एक्स टी और वाई की जगह वाई टी रिप्लेस करिए, अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो टी की रेस में जो पार है वो उसका डिग्री कहलाती है. अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो होमोजेनियस फंक्शंस. फिर दो फॉर्म्स और भी हो सकते हैं जिनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं. एक्स वाई के फॉर्म में अगर दो वेरिएबल्स का फंक्शन दे रखा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें, तो अगर आप उसमें से एक्स का मैक्सिमम पावर जो बाहर ला सकते हैं और फंक्शन को वाई बाई एक्स के फॉर्म में बना लें, या वाई का जो मैक्सिमम पावर बाहर ला सकते हैं और उसे एक्स बाय वाई के फॉर्म में बना लें, तो भी फंक्शन होमोजेनियस कहलाते हैं. और एक्स की पावर में और वाई की पावर में जो एन है वो उसकी डिग्री कहलाएगी. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन में सी लिया हुआ है एक्स वाई एक्स रेस टू सिक्स वाई रेस टू सिक्स, और आपको पता करना है क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है. तो देखिए हम यहाँ पर पहला मेथड लगाया, मैंने पहले मेथड में एक्स की जगह पर एक्स टी और वाई की जगह पर वाई टी लिखा. आई होप एफ एक्स टी वाई टी आपको समझ में आ रहा होगा. और इसका नॉर्मल एलजेब्रिक अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो मैं पहुँचाऊँगा टी रेस टू फाइव एक्स वाई. टी रेस टू फाइव इसका क्या हो गया, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर पाया कुछ इस फॉर्म में. देखिए ध्यान से, टी एन एफ एक्स वाई के फॉर्म में मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर पाया, इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है. सर डिग्री कैसे पता चलेगी, नाउ द पावर ऑफ टी विल बी डिग्री ऑफ द फंक्शन. तो डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन इज फाइव. दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, एक्स का मैक्सिमम पावर जो न्यूमरेटर से बाहर आएगा वो एक्स टू द रेस सिक्स है, वाई डिनोमिनेटर से जो आएगा वो एक्स आएगा. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स रेस टू फाइव वाई रेस टू एक्स रेस टू फाइव फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, और ये भी कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया और इसका डिग्री फाइव है. आप इस तरीके से वाई के फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अब आइए आयलर्स थ्योरम क्या कहती है. आयलर्स थ्योरम ये कहती है अगर कोई भी फंक्शन जो होमोजेनियस है, जिसमें मैंने एक तरह का फॉर्म लिया है, मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे तो मैं ये भी फंक्शन लिख सकता हूँ, लेकिन हम लोग नॉर्मली इस ये जो दो फॉर्म्स हैं इनमें ही कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की. अगर एक होमोजेनियस फंक्शन है तो उस होमोजेनियस फंक्शन में अगर आप क्या करें, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और उसमें x और y जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर उसमें मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो आता है वो हर बार n टाइम्स द फंक्शन आता है. एन क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ द फंक्शन टाइम्स फंक्शन आता है, यानी डिग्री टाइम्स फंक्शन आ जाता है. सर क्या होगा अगर वेरिएबल तीन आ गए, यू जो है वो तीन का फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीन का फंक्शन है, तो इसके लिए अगर हमें आयलर्स थ्योरम लिखना हो तो बेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक्स डेवर यू बाय डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू बाय डेवर वाई प्लस जेड डेवर यू बाय डेवर जेड इज इक्वल्स टू एन टाइम्स यू. अगर हम मान लें कि इस फंक्शन का जो डिग्री था वो कितना था, एन था, तो आई होप कितने भी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट आ जाएं आप इसको समझ सकते हैं. अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था. प्रूफ करने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई चाहिए था, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था और वाई मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था. एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करके अगर आप इसमें अगर देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा. आई होप पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होंगे, आप ग्रेजुएशन में हैं और मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो इतना तो आपको आइडिया होगा. उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करते कुछ ऐसा बन जाएगा, नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और एक्स और वाई से डिफरेंशिएट करने के बाद रिस्पेक्ट में और एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये फॉर्म आएगी. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला टर्म जो और ये वाला टर्म है ये नलिफाई हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, और आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एन टाइम्स ऑफ द एक्स की पावर एन एफ एक्स वाई बाई एक्स बचा, और जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसकी जगह पर हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर लिया, यू. तो दैट्स बिकम एन ऑफ यू.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयलर्स थ्योरम. सी आयलर्स थ्योरम पे बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं. आयलर्स थ्योरम्स पे बेटा क्वेश्चंस जो आएंगे बेसिकली दो तरह के ही आएंगे. आइदर क्वेश्चंस ऑफ प्रूविंग के आएंगे या वेरिफिकेशन के आएंगे. यानी या तो प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा या वेरिफिकेशन का आएगा. अब प्रूविंग का क्वेश्चन कैसे करना होगा, आपको क्या करना होगा, जैसे दिया हुआ है वेरीफाई करना है आपको. तो वेरीफाई वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली ये प्रूफ कर देना है कि जो हर टर्म जिस मतलब जो होमोजेनियस फंक्शन है उसका जो डिग्री है वो डिग्री टाइम्स फंक्शन आ जाता है. अगर हम उसे एक्स डी यू बाई डी एक्स या वाई डी यू बाई डी वाई निकालें तो डिग्री टाइम्स फंक्शन आ जाता है. आई होप कि इतना सिंपल कैलकुलेशन आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसको फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सो वाई के रिस्पेक्ट में किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, और एक सेकेंड यहाँ पर वाई होगा तो ये किया, और फिर इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं और इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, और वन और टू को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस एक्स डेवर वाई, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो आई होप कि अगर आप देखें ध्यान से तो टू टाइम्स ये है, टू कॉमन ले सकते हैं, ये फोर टाइम्स होगा और ये टू टाइम्स होगा. तो टू कॉमन लेने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी वाई, तो टू एफ एक्स वाई आ गया. अब क्या वाकई में इस फंक्शन का डिग्री दो था, और ऑलरेडी हमें पता है डिग्री टाइम्स फंक्शन आना चाहिए, डिग्री टाइम्स फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है और इसका डिग्री टू है, क्योंकि हर इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. इसका डिग्री हम देख करके भी बता सकते हैं कि इसका डिग्री दो है, क्योंकि हर टर्म का डिग्री दो है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन दे रखा है यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और आपको ये प्रूव करना है. सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पे आयलर्स थ्योरम लगानी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगूँ और इसको पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू. तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन में है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन में है. तो दिमाग लगाइएगा कहीं ना कहीं आयलर्स थ्योरम तो नहीं यूज़ हुआ. अब सर आयलर्स के लिए क्या करना होगा, ये श्योर करने के लिए आयलर्स यूज़ हुआ है, आप फंक्शन पर जाइए और देखिए क्या कहीं वो होमोजीनियस तो नहीं है. सर लेकिन या तो साइन इनवर्स है, अगर ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स तो इसका डिग्री तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो हम क्या करें, लेकिन एक छोटा सा काम कर सकते हैं, साइन इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं. तो जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन यू हो जाएगा एक्स. अब अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये वाला साइड जो है, अगर इसमें अगर हम वो जो मेथड मैंने प्रीवियसली डिस्कस की है तो आप इसको देखेंगे, इसका डिग्री हाफ आ जाएगा और ये होमोजीनियस हो जाएगा. अगर ये होमोजीनियस है तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यू की जगह पर. यू की जगह पर जैसे ही हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया तो आपको आई थिंक यू की जगह पर साइन यू रखना होगा, इधर भी साइन यू रखती है. और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डेवर यू वाई डेवर एक्स, वाई डेवर यू वाई डेवर वाई इज इक्वल्स टू टेन यू आ जाएगा. और यही हमें प्रूफ करना था. सी में कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं, आपको इसको जीरो प्रूफ करना है. आप आसानी के साथ में देखें, अगर मैं यहाँ पर एक्स टी वाई टी जेड टी प्रूफ सब्सिट्यूट करता हूँ तो टी की पावर थ्री कॉमन आ जाएगा, और अंदर से फंक्शन ये पूरा ऐसे ही बना रहेगा और बाहर टी की पावर जीरो जैसा सिनेरियो हो जाएगा. तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन दिखाई पड़ेगा ऑफ डिग्री जीरो, और जैसे डिग्री जीरो होगा तो आई थिंक ये बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाएगा. अगले क्वेश्चन में फिर से डिग्री अनडिफाइंड है, इसको डिफाइंड बनाइए. इस वाले में इसको इस पर वेरीफाई करना है, इस पर आपको क्या करना है, अब ये लॉग के साथ में दे रखा है तो डिग्री स्टिल अनडिफाइंड है. आपको क्या करना होगा, इसको इधर ले जाना होगा, ई टू रेस्ट यू बनाना होगा, या डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं क्योंकि इसका भी डिग्री आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं. ठीक है, नहीं लॉग के साथ में रहेगा तो सारी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसको इधर ले जाइएगा और ई टू रेस्ट यू करिएगा और यहाँ पर इसका डिग्री फोर देखने लगेगा. और उसके बाद आई होप ई टू दी यू आप फंक्शन की जगह पर क्या रखना है, ई टू दी यू. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, अदरवाइज आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो. इसको ई टू दी यू इज इक्वल्स टू एक्स टू दी फाइव प्लस वाई टू दी फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव. मेरे को देखते ही समझ में आ रहा है इसका डिग्री फोर है. ई टू दी यू डिफरेंशिएट होने के बाद अपना नेचर चेंज नहीं करेगा और ई टू दी यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर आप देखें ध्यान से तो ई टू यू दोनों से ओर से कॉमन आएगा, इसका डिग्री फोर होगा और फंक्शन रिमूव हो चुका होगा और आसानी के साथ में प्रूव हो चुका होगा. आई होप आपको समझ में आया, और इन क्वेश्चन को ट्राई करिए और मेरे को पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में सेंड करिए. थैंक यू.